हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी जालीदार नाश्ता। आज हम बनाने वाले हैं अप्पम। ये अप्पम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहते हैं, एकदम इंस्टेंट रेसिपी है फ्रेंड्स। सारी ट्रिक्स इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, जिससे एकदम परफेक्ट अप्पम बनेगा, बिल्कुल भी टूटेगा नहीं और बहुत ही ज़्यादा स्पंजी बनेगा, एकदम जालीदार बनेगा। आप ये एक बार ज़रूर ट्राई करें, नाश्ते के लिए बेस्ट रेसिपी है, या फिर आप अगर बच्चों के टिफिन में देना चाहते हैं तब भी एकदम परफेक्ट है। और ये देखिए कितना ज़्यादा जालीदार बना है, एकदम स्पंजी और सॉफ्ट बना है। तो चलिए ये अप्पम बनाना शुरू करते हैं। अप्पम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली है दही, ये 1 कप दही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप सूजी। इसका रेशियो 2:1 होना चाहिए। अगर 1 कप दही ले रहे हैं तब आप 2 कप सूजी लें। सूजी डालने के बाद इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, तो ये आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें पानी डाल देंगे। अब नमक डालेंगे आधा चम्मच। इसके बाद 1 चम्मच हम डाल देंगे चीनी। चीनी का मैंने पाउडर नहीं यूज़ किया, क्योंकि अभी हम इसे मिक्स करके ग्राइंड करेंगे तब ये चीनी जो है अच्छे से पिस जाएगी। अभी आपको इसकी कंसिस्टेंसी लग रही होगी बहुत ज़्यादा थिक है, लेकिन जब हम इस एक बार ग्राइंड कर लेंगे तब ये एकदम स्मूथ हो जाता है, जैसे डोसा वगैरह का बैटर रहता है इडली का, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा ये भी। और इसे अच्छे से मिक्स करते रहें, और जब आप अच्छे से मिक्स करते रहेंगे तब ये देखिए इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी हो जाती है। अभी लेकिन ये थोड़ा सा फटा फटा लग रहा है, हम एक बार इसे मिक्सी में चला लेंगे तभी ये एकदम स्मूथ हो जाएगा, फ्लफ़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया, मुझे नहीं लगता इसमें पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत है। अब हम एक ग्राइंडिंग जार ले लेते हैं और इसमें ये डाल लेंगे, और इसे हम रोक रोक के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने जार में डाल दिया। अब हम जार को बंद कर देते हैं और इसे पीस का तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए एकदम स्मूथ बैटर बन के तैयार है। इसमें मैंने और पानी वगैरह नहीं ऐड किया है, सिंपल इसे उतना ही पानी है और इसे सिर्फ मैंने ग्राइंड किया है। तो यहाँ पे ये एकदम रेडी है, और मैं आपको दिखाती हूँ एकदम। देखिए इस तरह की आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एकदम रिबन कंसिस्टेंसी है, यानी कि जो हमारा बैटर है अप्पम बनाने के लिए एकदम तैयार है। अब हम 1 पैकेट इसमें इनो ऐड कर देते हैं। इनो ऐड करने से आपका जो ये अप्पम है बहुत ज़्यादा जालीदार बनता है। अगर आपके पास इनो नहीं है तब आप यहाँ पे बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर इनो यूज़ करेंगे तो रिज़ल्ट आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। और ये देखिए बैटर थोड़ा सा फ्लफ़ी हो गया है, यानी अब ये बैटर रेडी है अप्पम बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने तवा जो है गर्म होने को रख दिया है। थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेंगे, बिल्कुल ज़रा सा इसमें ऑयल लगता है, ज़्यादा ऑयल नहीं लगता। आप इसे बिना ऑयल के भी बना सकते हैं, लेकिन आपको फिर उसे नॉन स्टिक पैन में बनाना होगा। और ये मैंने 1 चम्मच बैटर डाल दिया, थोड़ा सा फैला देंगे। फ्लेम को मीडियम रखना है और अच्छे से सेंकना है, और 2 मिनट बाद आप ये देख सकते हैं इसमें जारियां आनी शुरू हो गई हैं। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही सेंकना है। मीडियम फ्लेम पर सेंकने से ये बढ़िया सी इसमें जालियाँ आती हैं। ये देखिए मैं जूम करके भी दिखाती हूँ आपको, एकदम फ्लफी बनेगा ये। और अब ये नीचे से थोड़ा सिक गया है तो हम इसे पलट देते हैं, और ये देखिए कितना प्यारा इसमें कलर आ गया है एक साइड। ज़्यादा आपको इसे प्रेस करके नहीं सेंकना है, वरना ये जब सिक जाएगा तब थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। ये 1 अप्पम बन के तैयार है, प्लेट में रख लेते हैं। इसी तरह से दूसरा डाल देते हैं हम। 1 चम्मच बैटर एक बार में आपको डालना है, और ये देखिए दोनों साइड ये भी अच्छे से सिक गया है, एकदम परफेक्ट बना। और जालियाँ भी दिख रही होंगी आपको कितनी परफेक्ट आई हैं, एकदम सॉफ्ट फूला फूला बना है। तो यहाँ पे ये हमारे अप्पम बन के तैयार हैं। आप एक बार फ्रेंड से ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, एकदम परफेक्ट रेसिपी। और ये देखिए कितने ज़्यादा स्पंजी बनी है, एकदम सॉफ्ट है। मैं आपको ये प्रेस करके दिखा रही हूँ कितने ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है, और आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं चटनी वगैरह के साथ, या अगर ऐसे भी खाएंगे तब भी एकदम परफेक्ट लगेंगे आपको। तो ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो के नीचे प्लीज़ लाइक का बटन क्लिक करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।